रहीम अस्सलाम वालेकुम आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अंग रखा का एक और नया डिजाइन जिसको हम बनाएंगे आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही ईजी वे में जिसको देखकर हमारे बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने ढाई मीटर का फैब्रिक लिया है यहाँ पर हम इसको स्मॉल साइज में बनाएंगे आप अपने हिसाब के मेजरमेंट ले सकते हैं सबसे पहले हम लंबाई पर निशान लगाएंगे तैयार लंबाई हमने रखनी है पैंतीस इंच की तो यहाँ पर हम जो कटिंग करेंगे वो सैंतीस इंच पर करेंगे दो इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग और स्टिचिंग के लिए सैंतीस इंच पर हम निशान लगा लेंगे लंबाई का अभी हम चौड़ाई के लिए जितना कि हमारा तीरा होगा उतना हम चौड़ाई पे निशान लगाएंगे तीरा हमारा चौदह इंच का है तो यहाँ पर हम पंद्रह इंच पे निशान लगाएंगे एक इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे हमने तीरे जितना कपड़ा लेना है सबसे पहले जो चुड़ाई हम लेंगे जितना कि हमारा तीरा है उससे हम एक इंच ज़्यादा लेंगे अभी हम इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लेंगे कि पंद्रह इंच का जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से टर्न कर लिया है इस तरह के हमें तीन लेयर्स चाहिए दो फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए यहाँ पर हम दो ले रहे हैं क्योंकि तीसरा हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे ये दोबारा से हम एक दफ़ा मैयर कर लें कि हमने जो फैब्रिक लिया है वो पंद्रह इंच का हमारा फैब्रिक है चौदह इंच तैयार होगा और एक इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है स्टिचिंग के लिए कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया फ़ोल्ड करने के बाद जितना हमारा कंधा होगा उससे हम दो इंच कम पर निशान लगाएंगे सात इंच का हमारा कंधा है यहाँ पर हम इसका पाँच इंच पे निशान लगाएंगे सबसे पहले पाँच इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से हम इसका दो इंच का निशान लगाएंगे। दो इंच का निशान लगाने के बाद जिस तरह से हम कंधे की कटिंग करते हैं एल शेप में बनाकर उस तरह से हम इसकी पहले शेप बना लेंगे और गुलाई भी इसकी उसी तरह से कर देंगे जिस तरह से हम कंधे की कटिंग के लिए करते हैं अभी हम इसी तरह से पूरी लंबाई पर दो दो इंच पर निशान लगा देंगे कि जितनी हमने पहले चौड़ाई पर दो इंच पर निशान लगाया था इसी तरह से हम पूरी लंबाई पर यहाँ पर दो इंच पर निशान लगा देंगे कपड़े को मैंने सेपरेट नहीं किया उसी तरह से फोल्ड कर लिया था कि जो अंदर से कपड़ा हमारा कटिंग में निकलेगा तो हमारे आगे काम आ जाएगा अभी जो हमने निशान बनाए थे उन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे ऊपर से जो हमने इक्वल रखा था बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे यहां से गुलाई में जो हमने दो इंच पे गुलाई की थी वो कटिंग करेंगे पूरी लेंथ तक हम इस कटिंग को ले जाएंगे ये हमने दो इंच पे निशान लगाए थे यहां पर हमने लंबाई तक फुलिस की कटिंग कर दी है अभी हमारे पास ये दो पीसीस हो गए हैं तैयार ये आप फ्रंट पे भी लगा सकते हैं और वन फ्रंट और वन बैक पे भी वैसे हमें फ्रंट के लिए दो चाहिए और एक हमें बैक के लिए चाहिए अभी हमारे पास ये कपड़ा है जो कि हम साइड के पैनल के लिए यूज़ करेंगे कपड़े को हमारा जितना के अर्स था हमने उसको डबल ले कर उसको फिर दोबारा से फोल्ड कर लिया यानी कि चार तय हमें इसको कर लिया दो हमारे फ्रंट के लिए पैनल तैयार होंगे और हमारे दो बैक के लिए इस तरह से हम इसके चार पैनल्स को तैयार कर लेंगे जो गुलाई वाला सेक्शन है वहाँ से हम कपड़े को रखेंगे और सबसे पहले जो हमारी गुलाई थी वो इस कपड़े के ऊपर हम ट्रेस कर लेंगे ये हमने यहाँ पर गुलाई को ट्रेस कर लिया है गुलाई को ट्रेस करने के बाद जो हमने गुलाई का निशान लगाया होगा उसी गुलाई पर उसकी कटिंग कर देंगे ये भी हमारा इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है बिल्कुल इसके इक्वल है ये हमारा फैब्रिक अभी हम ऊपर से कंधे की कटिंग कर लेंगे कंधा हमारा सात इंच का है सात इंच पे हमने निशान लगाया दोनों साइडों से निशान लगाकर फिर सेंटर से हम इसकी गुलाई कर देंगे सेंटर से हमने डेढ़ इंच ऊंचाई पर गुलाई की है अभी हम इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देंगे कंधे की कटिंग करने के बाद फिटिंग के निशान से हम डेढ़ इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे कि जितनी हमारी फ़िटिंग होगी उसे हम डेढ़ इंच एक्स्ट्रा पे ये निशान लगा रहे हैं कि हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इस फैब्रिक की ये निशान लगाने के बाद सेंटर से भी फिटिंग का कमर वाले सेक्शन से भी हम अंदाजे से ही निशान लगाकर इसकी ए लाइन शेप में हम इसको ट्रेस कर देंगे अभी जो हमने निशान लगाए हुए हैं इन निशानों पर हम इसकी कटिंग कर देंगे इसके बाद ये हमारे पास फैब्रिक है जो कि जो कटिंग करते हुए सेंटर से निकला था ये हमारे जिस तरह से पैनल्स कट किए जाते हैं उस शेप में निकला है इसकी चुड़ाई जो है वो आठ इंच की है और लंबाई इसकी है बारह से तेरह इंच की लंबाई है तकरीबन तो ये हमारे पास दो पैनल पहले से निकल आए तो इसी पैनल के साइज़ के ये जितने हम पैनल डालना चाहते थे ये हमारे उतने ही पैनल हैं तो हम इसी साइज में चार पैनल तैयार कर लेंगे दो जो हमारे कटिंग में निकल आए और दो हम दूसरे तैयार कर लेंगे ये हैं अभी हमारे जो कटिंग हमने की हुई है सेंटर वाले पैनल और साइड वाले पैनल्स ये जो छोटे पैनल्स हैं हम इसके सेंटर में इन दोनों के सेंटर में डालेंगे ताकि जो हमारी फ़्रॉक है उसका घेर अच्छे से बन सके जब हम इसको अटैच करेंगे तो इस तरह से अटैच करेंगे कि पहले ये जो हमारे सबसे सेंटर वाला फैब्रिक है सेंटर वाला पैनल है इसके साथ हम छोटे पैनल्स को अटैच करेंगे साइड पर दोनों छोटे पैनल्स को अटैच करने के बाद साइड पर फिर हम बड़े वाले पैनल्स को अटैच करेंगे जो कि हमारी इस तरह से फिर लुक आएगी ये हमारे बैक साइड का जो हिस्सा है इसको हमने अटैच कर लिया हुआ है अभी ये हमारा फ्रंट वाला सेक्शन है फ्रंट वाले सेक्शन के हम पहले एक वाले को सिंगल के साथ ही अटैच कर देंगे ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फ्रंट पे हम दो यूज़ करेंगे एक को हमने बाद में दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिया था एक के ऊपर हमने साथ में छोटे पैनल को अटैच कर दिया और दूसरी साइड पर कि सीधी वाली राइट साइड पर हमने नहीं अटैच किया उसके साथ हम पहले दूसरे वाले पैनल को दोनों को अटैच करेंगे जो फ्रंट वाला जो सेक्शन है उसके दो पैनल्स जो हैं इसको हम पहले इकट्ठा कर लेंगे इस साइड से ये हमारे दाएँ वाली साइड पे है जिसको हम इकट्ठा करेंगे बाएं वाली साइड से हम इसको ओपन रहने देंगे पहले इन दो फैब्रिक को अटैच करके सेंटर वाले दोनों पैनल्स को अटैच करके उसके साथ छोटा पैनल अटैच करेंगे फिर साइडों पर बड़े वाले पैनल से अटैच करेंगे ये हमारे पास गला है जिसकी हमने चुड़ाई ली है पाँच इंच की और लंबाई हमने ली है साढ़े पाँच इंच की नीचे वाला जो हमारा इस तरह का पैनल होगा उसके ऊपर हम इस गले को बनाएंगे और जो ऊपर वाला होगा उसको हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे इसी को हम रख के इसकी कटिंग करेंगे इसी साइज़ में इसी साइज़ में हम इस गले की कटिंग कर देंगे जो हमने निशान बनाए हैं ये निशान बनाने के बाद कपड़े को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से खोल लेंगे इसमें याद रखिएगा कि कपड़े की जो, जो सीधी वाली साइड है ये ऊपर वाली साइड पर है इसके बाद जो हमारे उल्टे हाथ वाली साइड पे जो फैब्रिक होगा उसको हम गले के बिल्कुल साथ में उसी शेप में बिल्कुल इक्वल निशान लगा लेंगे और उसी निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे ये जो गला है हमने पेस्ट कर लिया है गले को यहाँ पे मैंने दो कलर के साथ पेस्ट कर लिया है आप चाहें तो एक कलर के साथ ही कर लें जो कि आपने ऊपर स्ट्रिप लगानी है उसी के साथ कर लें मैंने यहाँ पर इसको दो कलर के साथ कर लिया है इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे नीचे वाले के ऊपर नीचे वाले के ऊपर हम इस तरह से बनाएंगे कि जो गला है जो टर्न होगा वो हमारा सीधी वाली साइड पर टर्न होगा वैसे हम जब गले को अटैच करते हैं तो सीधी वाली साइड पर रख कर लगाते हैं और उल्टी साइड पर इसको टर्न कर लेते हैं यहाँ पर मैंने गले को उल्टी वाली साइड पे जो कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था उसको उल्टी वाली साइड पे रखा और इसको सीधी वाली साइड पे टर्न कर लूँगी ताकि हमें एक्स्ट्रा से कोई भी स्ट्रिप गले के साथ ना लगानी पड़े इसलिए मैंने इसको दो कलर में बना लिया था आप चाहें तो पहले सिंपल गला बना कर बाद में इसकी एक्स्ट्रा से स्ट्रिप भी लगा सकते हैं तो हमने यहाँ पर उसी फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है ताकि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिप ना लगानी पड़े अभी हम इसके ऊपर इसकी सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये ऊपर वाला सेक्शन होगा यहाँ पर भी हम स्ट्रिप लगाएंगे स्ट्रिप लगाएंगे हम जो दूसरे वाले कलर की उसके लिए हमने ये बुक्रम को कट किया हुआ है ये जो बुकरम है इसकी जो हमने चुड़ाई ली है वो एक इंच से एक पॉइंट कम है जो हमने बुकरम कट की हुई है इसको हमने उसी शेप में कट किया था आप उसी शेप में रख के भी फुल को भी एक दफ़ा में लगा सकते हैं या इस तरह से जो अलग भी लगा सकते हैं जो हमारे बिगनर्स हैं वो इस तरह से अलग लगाएँ उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस स्ट्रिप को हमने साथ में अटैच कर दिया अटैच करने के बाद हमने सीधी साइड पे इसको हम टर्न करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इसके बाद जो हमारा गुलाई वाला सेक्शन है उसको हमने अलग से लगा लिया ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको टर्न करने में इजी हो सके जिस तरह से आपको इजी लगे एक दफा में ही पूरे फैब्रिक के ऊपर लगा कर कर लें या इस तरह से टू टाइम में कर सकते हैं आप अभी हम इसको भी उसी तरह से साथ में रख कर अटैच कर देंगे पहले सिलाई लगाएंगे इसके साथ साथ जो कि हमने बुकरम के साथ कपड़ा छोड़ा हुआ है इसके साथ साथ हम रख के सिलाई लगा देंगे लगाने के बाद इसकी हम गुलाई वाले सेक्शन पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि जो गुलाई है वो अच्छे से हो सके यहाँ पर हमने कट्स लगा लिए और अभी हम इसको टर्न कर देंगे सीधी वाली साइड पर सीधी वाली साइड पे जब हम इसको टर्न करेंगे तो प्रेस करते हुए हम इसका कॉर्नर अच्छे से कर लेंगे टर्न ताकि हमारा यहाँ पर एक तो इस तरह से अच्छे से जब कॉर्नर टर्न करेंगे तो ये सेपरेट नहीं फील होगा और बहुत अच्छी यहाँ से इसकी नोक बनी हुई लगेगी ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके साथ अटैच कर देंगे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है गले वाला जो सेक्शन है इसके साथ साथ हम रख के इसको अटैच कर देंगे अगर आप चाहें तो यहाँ से इस जगह को ओपन भी छोड़ सकते हैं लेकिन मैंने इसके साथ साथ गले के यहाँ तक सिलाई लगा दी है बाकी नीचे मैं इसको ओपन छोड़ दूंगी इसके बाद हम इसके साथ में अटैच करेंगे बाजुओं को बाजुओं को अटैच करने के बाद साथ में हम लगा देंगे फिटिंग की सिलाई तो ये हमारी फ़्रॉक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इसकी कुछ लुक इस तरह से नज़र आ रही है कि ये जो ऊपर वाला पल्लू था जो मैंने आपको ऊपर को करके दिखाया था ये इस तरह से ऊपर होता है और इसके साथ हमने लगा दी है लटकन लटकन लगाने के बाद साथ से हमने इसकी फ़ोल्डिंग कर दी नीचे से और साथ में इसकी ये इस फाइनल लुक है और बाद के आगे हमने जस्ट उसी तरह की स्ट्रिप लगा दी और आपको मैं साथ में यहाँ पे दिखा रही थी कि जो हमने जो पैनल डाले थे वो कहाँ तक हमारे लंबाई में आ रहे थे और ये लटकन हमने इस तरह से दो कलर में बना कर लगाए हैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त इन शाला आपसे मिलेंगे अपने आने वाली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़